अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले का, जो कश्मीर से संबंधित था और पूरा देश और पूरा विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। और जनता को और जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर ये दो हिस्से किए, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया, जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने शायद इतिहास में हिंदुस्तान के या विश्व के पहली दफा टूरिस्ट को वहां से बुला लिया, यात्रियों को वहां से बुलाया और एक कानून बनाया जिसे जनता के सामने तो पेश किया गया लोगों के लिए, लेकिन असली में वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ख़त्म करने के लिए था, उनकी पहचान ख़त्म करने के लिए, उनकी हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए, उनका ज्योग्राफिया ख़त्म करने के लिए, उनका इतिहास ख़त्म करने के लिए। और जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है उसको ख़त्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर की शिक्षा को ख़त्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर का पर्यटन ख़त्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर का बिजनेस ख़त्म करने के लिए ये केंद्रीय सरकार ने एक स्कीम बनाई और उसको अलग अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। और उसके साथ जो दो तीन चीज़ें की स्टेट को तो डिवाइड किया ही, तमाम लीडरों को नज़रबंद रखा गया और आज भी जो लीडर्स हैं वो नज़रबंद है और सेकंड और थर्ड लाइन के लीडर्स जेलों में हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों में भी। और तीसरी बात की कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, टेलीफोन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पाबंदी लगा दी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे पाबंदी लगा दी, कुछ दिनों से अब टेलीफोन शुरू हो गया। तो इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब है कि कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तजारत नहीं कर सकता। इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब हुआ कि कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तालीम हासिल नहीं कर सकता। इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास कोई पहुँच नहीं पाए या कोई इलाज नहीं कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें केंद्रीय सरकार ने एंटी पीपल पॉलिसीज़ थी, जिससे कश्मीर में भी नुकसान पहुंचा, जम्मू में भी नुकसान पहुंचा। जम्मू में भी वहां बिजनेस ख़त्म हो गया, कश्मीर में तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, शून्य से भी नीचे, लेकिन जम्मू में भी ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया और दूसरा बिजनेस तजारत वहाँ भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से स्टेट को ख़त्म कर दिया गया। अब आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बेंच ने न सिर्फ लाखों बल्कि 125,000,000 जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को तीन चार चीज़ें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूं और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है, ये कहा है कि डिसेंट का मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता, असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ ना बोले।
और ये नब्ज, ये पल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने या लीडर ने नज़रबंद से या जेल से छूटने की एप्लीकेशन दी, तो सरकार ने उसे बताया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन होगी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और जो कानून बनाया है उसके खिलाफ नहीं बनाओगे। तो उसका मतलब है कि ये आतंकवाद और ये तमाम सब बहाना है, असली है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए और जो कानून बनाया है सरकार ने उसके खिलाफ कोई नहीं बोलना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा पकड़ लिया है और उसको अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सेक्शन 104 के अंदर वो तमाम जो आज तक गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस की है, ऑर्डर्स पास किए हैं, वो छापने चाहिए, वो पब्लिश होने चाहिए। तीसरी बात कोर्ट ने जो कही है, वो कहा है कि अंडर टेलीकॉम रूल्स में ये रिस्ट्रिक्शन, बड़े लंबे रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट, ये मना है, आपने कैसे किया। और चौथी बात जो की है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप रिव्यू कर लीजिए और कोर्ट के सामने आ जाइए, और ताकि किसी को अगर कोर्ट में जाना हो तो कर सकता है। और चौथी पांचवी बात उन्होंने जो कोर्ट ने कही है कि जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन है ये जुडिशल सिक्योरिटी का हिस्सा बने, क्या आप नहीं जब मर्जी है कर सकते हैं, मैं लेकिन जुडिशरी इसको देखेगी। तो ये तमाम मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिसका हम स्वागत कर रहे हैं, और पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जम्मू कश्मीर के जो लोगों की है और दिलों की बात की है और तर्जमानी की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ।